नमस्कार, मैं आत्मप्रिया आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। और आदमी पेयजल को लेकर ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने महिलाओं का धरना। बढ़ती कोविड 19 चिंताओं के बीच राज्य सरकार ने मास्क और सामाजिक दूरी को अनिवार्य किया। पीएसआई भर्ती घोटाला, कर्नाटक सीआईडी ने कांग्रेस विधायक प्रियांक खड़गे को तलब किया। सिद्धरामैया सरकार की विफलता के कारण हिंसा हुई, कतील का दावा। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर जश्न मनाने की तैयारी कर रही भाजपा। नवनीत रवि राणा को कोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका पर सुनवाई टली। अब समाचार विस्तार से। देश में केंद्र और राज्य सरकार पेयजल के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही हैं, लेकिन औराद तालुका के तुलजापुर ग्राम में 15 दिनों में एक बार भी पानी लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। इन लोगों से पंचायत विकास अधिकारी ने कहा कि 2 दिन में पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन आज तक पानी नहीं मिला। ग्रामवासी पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हालांकि पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान इसी क्षेत्र के हैं और वह जिला प्रभारी मंत्री भी रह चुके हैं, फिर भी इस क्षेत्र के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। आज ग्रामवासियों ने ग्राम पंचायत कार्यालय के सम्मुख धरना दिया और महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड 19 के बारे में ताजा चिंताओं और महामारी की संभावित चौथी लहर की आशंकाओं के बीच कर्नाटक सरकार ने सोमवार को फेस मास्क पहनने और सामाजिक दूरी को अनिवार्य बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। संभावित चौथी लहर पर चिंताओं के बीच राज्य में स्थिति की समीक्षा करने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों, अधिकारियों और कोविड 19 तकनीकी सलाहकार समिति के साथ मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में एक बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कतिल ने मंगलवार को कहा कि सिद्धरामैया सरकार द्वारा अक्षम प्रशासन ने भी हाल की हिंसा में योगदान दिया, जिसमें पुरानी हुबली में हुई हिंसा भी शामिल है। उन्होंने कहा, जब सिद्धरामैया मुख्यमंत्री थे तो कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामले वापस लिए गए थे। इस तरह के कृत्यों से दंगाइयों में विश्वास बढ़ता है। कतिल ने कहा, हमारी सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। अगर सिद्धरामैया अभी मुख्यमंत्री होते तो उनकी रक्षा की जाती। वह अराजकता और हिंसा चाहते हैं। SDPI और PFI जैसे संगठनों के पास शारीरिक ताकत है, जबकि सिद्धरामैया उनकी बौद्धिक ताकत है। गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि पुलिस उप निरीक्षकों की भर्ती में अनियमितताओं की जांच कर रहे आपराधिक जांच विभाग ने कांग्रेस विधायक प्रियांक खड़गे को सबूत के साथ पेश होने के लिए तलब किया है। हालांकि कांग्रेस की राज्य इकाई ने खड़गे को परीक्षा में बैठने के खिलाफ निर्देश दिया है। शनिवार को खड़गे ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया, जिसमें 2 व्यक्ति कथित तौर पर पैसे देकर PSI नौकरी पाने पर चर्चा कर रहे थे। घटना के एक दिन बाद खड़गे को CID से जांच दल के सामने पेश होने और उनके पास मौजूद विवरण साझा करने का नोटिस मिला। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। खबर के मुताबिक पार्टी के 12 वरिष्ठ नेताओं की एक टीम ने जश्न कार्यक्रम के लिए सोमवार 25 अप्रैल को एक बैठक की। बैठक में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा महासचिव अरुण सिंह, CT रवि और डी पुरंदरेश्वरी सहित अन्य शामिल रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर पूरे देश में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और 5 मई तक कार्ययोजना की तैयारी की जाएगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2019 को 543 सदस्यीय लोकसभा में अभूतपूर्व 303 सीटों पर भाजपा का नेतृत्व करने के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली थी। कश्मीर में नगरसभा समिति देवसर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस समिति के अध्यक्ष व पूर्व अध्यक्ष के अध्यक्षता में विभिन्न मुद्दों पर बात की। इसमें स्ट्रीट लाइट सहित अन्य मुद्दे शामिल रहे हैं। हनुमान चालीसा पर विवाद के बीच अमरावती के सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को सत्र अदालत ने तत्काल कोई राहत नहीं दी है। दंपत्ति अब अगली सुनवाई तक, जो 29 अप्रैल को है, तब तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। दंपत्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रिजवान मर्चेंट ने कहा, अगली सुनवाई 29 अप्रैल को है, तब तक हम जवाब दाखिल कर देंगे। हम पुलिस से पूछेंगे फिर देशद्रोह का आरोप क्यों जोड़ा गया। इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है। सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को शनिवार शाम हनुमान चालीसा को लेकर हुए विवाद के बीच खार थाने ले जाया गया। बाद में पुलिस ने दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया। नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता
धारा 153A के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। धारा 153A उन लोगों के खिलाफ लगाया जाता है जो किसी विशेष समूह या वर्ग के धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि पर या किसी धर्म के दिग्गजों पर अभद्र भाषा का प्रयोग या हमले करते हैं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाई NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहाँ घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियाँ, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहाँ पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BBB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाया जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। फोन नंबर 08483228272। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखें अन्य समाचार। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने 1 मई को औरंगाबाद में जनसभा करने की घोषणा की थी। मनसे के नेता प्रशासन से जनसभा करने के लिए परमिशन का प्रयास कर रहे थे। अब राज ठाकरे को 1 मई में होने वाली जनसभा को रद्द करना पड़ेगा। औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने औरंगाबाद में 26 अप्रैल से 9 मई तक 13 दिन की जमाबंदी का आदेश लागू कर दिया है। इस आदेश अनुसार 5 से ज्यादा व्यक्तियों को सार्वजनिक जगह पर इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होगी। कमिश्नर गुप्ता ने बताया कि औरंगाबाद की कानून व्यवस्था खराब न हो, इसलिए यह फैसला लिया गया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस तरह से फ्रांस में राइफल डील की पहली खेप को आधिकारिक रूप से रिसीव करने के बाद उसकी शस्त्र पूजा की, उसको लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राफेल की शस्त्र पूजा को तमाशा करार दिया है। राफेल की शस्त्र पूजा को खड़गे ने तमाशा करार देते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने जब बोफोर्स तोप खरीदी थी तो यह सब दिखावा नहीं किया था। कोई भी उसे खरीदने और लाने के लिए नहीं गया था। हमने कोई दिखावा नहीं किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90 वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम पूरे एक साल चलेगा। इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने साल भर चलने वाले कार्यक्रम की शुरुआत के साथ इसके लोगों को भी लॉन्च किया। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि तीर्थ दानम की 90 सालों की यात्रा और ब्रह्म विद्यालय की गोल्डन जुबली ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये भारत के उस विचार की भी अमर यात्रा है जो अलग अलग कालखंड में अलग अलग माध्यमों के जरिए आगे बढ़ता रहा है। यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए तीसरे महीने की शुरुआत हो चुकी है और इतिहास गवाह रहा है कि लंबी चलने वाली लड़ाई का विजेता कोई नहीं होता। लंबी चलने वाली लड़ाई में हर पक्ष हारते हैं और यूक्रेन के युद्ध का अंजाम भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। 24 फरवरी को शुरू हुई इस लड़ाई को लेकर अब रूस की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसे सुनकर लगता है कि ऐसा ही है कि क्या अब रूस के पास वापसी के विकल्प नहीं बचे हैं और वो क्या तीसरे विश्व युद्ध की बात इस युद्ध से सम्मानपूर्वक निकलना चाहता है। जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है जिसकी वजह से न केवल देशों की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं, बल्कि मानव जीवन पर भी संकट मंडरा रहा है। इस बीच जलवायु परिवर्तन को लेकर आई यूनाइटेड नेशंस की एक नई रिपोर्ट ने और भी ज्यादा खतरनाक तस्वीर पेश की है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह संकेत दिए गए हैं कि आने वाले साल धरती के लिए कई तरह की नई आफत को लेकर आ सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि अगर मौजूदा हालात इसी तरह बने रहते हैं तो दुनिया 2030 तक हर साल करीब 560 विनाशकारी आपदाएं झेलने की ओर बढ़ रही है। 2015 में ऐसी आपदाओं की संख्या हर साल करीब 400 थी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। औराद में पेयजल को लेकर ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने महिलाओं का धरना। बढ़ती कोविड-19 चिंताओं के बीच राज्य सरकार ने मास्क और सामाजिक दूरी को अनिवार्य किया। पीएसआई भर्ती घोटाला, कर्नाटक सीआईडी ने कांग्रेस विधायक प्रियांक खड़गे को तलब किया। सिद्धरामैया सरकार की विफलता के कारण हिंसा हुई, कतील का दावा। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर जश्न मनाने की तैयारी कर रही भाजपा। नवनीत रवि राणा को कोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका पर सुनवाई टली। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।